नमस्कार, आप दोबारा फिर आप टोल टैक्स से रूबरू होते हैं। पानीपत टोल टैक्स पे किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हर टोल बूथ पर किसान बैठे हुए हैं। ये जो तस्वीर है आप सामने दिखाई दे रही है, इसमें तो ये लाइव तस्वीरें आप पानीपत के टोल से देख रहे हैं। सेक्टर 13-17 की जो इंचार्ज है वो दिशा निर्देश देती हुई नज़र आ रही है, जितने भी पुलिसकर्मी हैं। और इस साइड आप देख सकते हैं DSP की गाड़ी खड़ी है। तो तमाम दिशा निर्देश पुलिसकर्मियों द्वारा जो है दिए जा रहे हैं। इस तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोगों से अपील ये की जाती है कि आज घरों से ना निकले तो ठीक है। इधर की बात की जाए जो दिल्ली साइड रोड जा रहा है वहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लग गया है। और इधर से रिफाइनरी की तरफ से जो है पूरा जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। तो टोल टैक्स से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो करें। वॉइस ऑफ पानीपत पर आपकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ किसान बैठ के हैं, कुछ गद्दा लगा कर बैठे हैं, कुछ अपना हुक्का लगा कर यहाँ पर उन्होंने रास्ते को रोक दिया है। तो किसानों की कॉल थी कि आज भारत बंद रहेगा, इसी के मद्देनज़र जो है पूरा GT रोड आज पहले जैसे हालात हैं, सूनापन है GT रोड पर। इस साइड आप देख सकते हैं ऐसे गद्दा लगाकर किसान आराम फरमाते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। पानीपत के टोल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और इस साइड भी आपको दिखा दें, किसान आंदोलन से जुड़े जितने भी लोग हैं ये टोल के बीचों बीच बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों को शेयर जरूर करें ताकि हर आम आदमी तक ये पहुंच जाए कि आज GT रोड जो है पूरी तरह जाम किया गया है। इस साइड की आपको एक बार तस्वीरें हम लोग दिखा दें। ये रास्ता GT रोड से गुजरकर सेक्टर 13-17 की साइड जाता है। यहाँ पर भी महिलाओं ने बंद कर दिया है। यहाँ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील ये की जाती है कि आज घरों से ना निकलें, क्योंकि पूरी तरह आज GT रोड जाम है। सेक्टर 18 जहाँ CIA 1 का थाना है वहाँ से भी रास्ते को जो है डाइवर्ट किया गया है। और ये तस्वीरें पानीपत के टोल से आप लोग देख रहे हैं। उस साइड मोर्चा जो है महिलाओं ने संभाला हुआ है। यहाँ पर भी किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। कहाँ से आए हो आप लोग? हम केरला। केरला से हो तो पैदल इसी भी घूम रहे हो केरला से? कश्मीर का है? कश्मीर का। कश्मीर तक गए थे तो वापस आ रहे हैं केरला का? केरला जाएंगे? दिल्ली टू हैदराबाद, हैदराबाद टू केरला। तो इसी गाड़ी पे घूम रहे हैं आप? हाँ। तो रास्ते में जाम जुम है कहीं? हमको हिंदी मालूम नहीं है, थोड़ा थोड़ा मालूम है। रास्ते में कहीं जाम वगैरह लगा हुआ है? हाँ, शॉर्ट शॉर्ट से निकल कर आए हैं। हाँ। किसी ने कुछ बोला तो नहीं आपको रास्ते में? किसी ने कुछ बोला तो नहीं रास्ते में? कोई मतलब कोई दिक्कत वगैरह, प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आई? प्रॉब्लम है, हम केरला सपोर्ट है, फार्मर सपोर्ट है। अच्छा, फार्मर सपोर्ट है? हाँ, सपोर्ट है। तो फार्मर स्पोर्ट्स के लिए टू लाइन्स फार्मर्स स्पोर्ट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा बहुत तो हिंदी जानते होंगे ना? सेफ फार्मर। नो फार्मर नो फूड। नो फूड नो लाइफ। तो आप जाइए, ये केरला से हैं। थैंक यू। ठीक है, तो ये लोग घूमने निकले थे। तो इस साइड आपको दिखा दें कि महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो वॉइस ऑफ पानीपत पर लगातार आप ये लाइव तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं। आज किसानों की कॉल के मद्देनज़र पूरा देश, पूरा भारत बंद है। तो वॉइस ऑफ पानीपत पर आप ये लाइव तस्वीरें टोल टैक्स से देख रहे हैं। टोल टैक्स में ये जो रास्ता आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेक्टर 18 से, यहाँ से जो रास्ता जाता है यहाँ से लोग जाते हैं। यहाँ पर भी पुलिस बल यहाँ पहुँचा था, लेकिन ये महिलाएं नहीं समझी। आप देख रहे हैं पुलिस का जो गनमैन है रास्ता छोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन महिलाएं नहीं मान रही। चलो पुलिस को तो निकलने दो आप ना, पुलिस निकलेगी तो।
तो ये पूजा डाबला डीएसपी जो है यहाँ मौके से निकल रहे हैं, तो रास्ता रो खोला गया है। ये किस लिए रास्ता रोक रखा है आपने? ये भाई थोड़ी देर में अच्छा चाय पी के बोलोगे, पहले थोड़ी सी वो आ जाए, फुर्ती से आ जाए। हैं ताई नहीं, एक बात बताए, कै बजे के बैठे हो आज? भाई कै बजे के बैठे हो ये तो बता दो, ये तो पता होगा। मैं नहीं बोल देनी। हाँ ये ताई बोलेगी, वो पहले भी बोल रही थी। हाँ ताई हाँ क्या बात, मोदी क्या था नहीं मानता? मोदी अपनी बेबे कटवावे और ना गाली नहीं देनी, गाली निकाल देंगे। जब जब मारे सुन, जब मारे मानस कितने मर लिया उड़ा है, उन्हें गाली भी नहीं देवे है, वो तो डेढ़ का डेढ़ है। गाली क्यों? प्रधानमंत्री है, फिर भी प्रधानमंत्री है। नहीं बात सुन ले, तीनों कानून हनी रद्द कर दो, उससे की तो वोट नहीं, उससे की तो वोट देंगे। और मारा प्रधानमंत्री है, ये मारा क्या लग गया, मारे चार महीने बालक पड़े उड़े अग नहीं। ठीक बात है, कोई नहीं बात है, ठीक है फिर। और नहीं मारा प्रधानमंत्री है, मारा राजा है, इसी बात नहीं है। और फिर भाई दुख माता गाड़े देंगे है, फिर मच्छर खान लाग रहे, गर्मी में पड़े है, सर्दी में पड़े है, भूखे तिसाए, कोई राशन पानी दिया करे है अग नहीं। फिर आप आगे वोट नहीं देंगे? आगे नहीं बुलाते? सुनियो बता, जो तीन कान खराब कर देगा नहीं रद्द आता, वो वोट दे देंगे अग नहीं। अच्छा पथला तो पथला तो लाग रहे उड़े दड्डा मरण, अच्छा और उन्हें बिठा दे अग नहीं। बात सुन ले, कहा था तीनों रद्द कर देगा, और नहीं तो भाई उड़ा था दुनिया न्यू सोच ले, दुनिया उड़े की उड़े रहेगी। तीन कानून बारे पता है कौन कौन से कानून है? अरे तीन कानून निमंडिया के हैं, और भाई ये के ना है, मैंने कहने को ना दे, मैंने तीनों कानून हम रोज। ये पता है तीन कानून है, ये तो है। हाँ तीन कानून और कौन से हैं? मतलब ये पता है तीन कानून है, ये जो सरकार लेके आई है ना, सरकार लेके आई है न्यू सोचा है, और कंपनी भी सारी आड़े आवेंगी, और भाई नाच भी नहीं बिकता है, और न्यू सोच ले होटला में खाना खाने लाग जाएंगे, न्यू सोच ले न्यू तो पीसान रंधा दे लाला गरीब मानस मर जाएंगे। कै बजे तक बैठोगे यहाँ? है कै बजे तक बैठोगे? हम तो सात लोग बैठेंगे, छः बजे तक, छः बजे लोग बैठ जाएंगे। हाँ जब हमारे बालक बैठे फिर कौन से काम किए? हम तो भाई चंदौली के, हाँ खुद पर चंदौली खुद पर के जान नहीं दोगे किसी को भी यहाँ? अरे तो आदमी बैठे थे, नहीं आदमी गए तो लाठा बजा दिया था। अच्छा इसलिए बैठ गए? अरे हाँ हम बैठ गए, मगर ये बाओ और भी आन लाग रहे। अच्छा कुंदौली में तो कई स्कूटर आन लाग रहे। हाँ जब ठीक चाय पी ली गई गद्दे के ही पक्का रे, चाय पी लूं पहले फुर्ती। मेरी बार तो बड़ी बड़ी और बतेरी रही है। आई कह रही थी मेरी भी सुन सुन तो रहा है। बोल दिया मेरे ताई ने। आप कहाँ से आए हो जी? चंदौली गांव से। चंदौली से किस लिए आ रहे आज यहाँ पे? तेरे अपना लेने आ रहे हैं, और जो संत का जूत मारने आ रहे, ये काला कानून वापस करवाने के लिए आ रहे। किस तो दुष्यंत है? हाँ दुष्यंत थोड़ी आ रहा आज यहाँ। कह रहे हैं आप दुष्यंत की तरफ जाएगा, मना हो गया दुष्यंत तो आ जाए। दुष्यंत तो मना हो गया ना, नानू कह रहे हैं कि मतलब जबरदस्ती यहाँ से निकल कर जाऊंगा। ऐसे कैसे ना सही क्यों करे सहभागी तो लेकर नहीं बताओ। अरे यहाँ जो तीन कानून वापिस हो, या तो उनको MSP लिखता मैं, जो या इन काले कानूनों को वापिस हो, इस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए। हम उठते नहीं था ना, इतना मानता क्यों नहीं सरकार? मान क्यों नहीं सरकार का? तब क्यों बुंडे को बेटा तो मारा है बेटा है नहीं, सरकार के ना का तो छो गणा उठ रहा है। एक बार मिल जाए नहीं ईट मार कर सिर फोड़ दिया उसका तम मोदी का तम। और हम तो बेटा अपना आँख लेने आ रहे हैं, हम जानते नहीं उठे। मतलब जिस चीज़ से किसान खुश नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही है सरकार इस चीज में? जाओ यह बोल लेगी मारी चार महीने हो गए, 300 किसान मर गए मोदी जी।
कहाँ देख रहे, कुछ नहीं लिखा रहे हमारे किसाना का, नहीं ना हमारे का नहीं है? कुछ तो झुकना चाहिए जब इतने किसान बेचारे अपने घर से बेघर हो गए। बीजेपी में अहंकार इतना हो रहा। महिलाओं ने मोर्चा संभाला है, अभी बुजुर्ग ताई बता रहे थे कि यहाँ पहले कुछ आदमी बैठे थे लेकिन उनके साथ धक्का मुक्की हुई, इसके बाद महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। चंदोली गांव से ये महिलाएं जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए। इस लाइव तस्वीरों को अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज घर से ना निकले तो ठीक रहेगा, क्योंकि आज का माहौल जो है ऐसा नहीं है कि आप रोड पर सफ़र कर सकें। तो ये सेक्टर 18 की तरफ जो ये रास्ता जाता है उसे भी पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी उनके साथ हैं और बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो वाइसो पानीपत पर आप ये लाइव तस्वीरें पानीपत के टोल से देख रहे हैं। इस साइड जो है जो पुरुष बैठे हैं और इस साइड महिलाओं ने जो है डेरा जमा लिया है। तो ऐसे ही आप बने रहिए वाइसो पानीपत के साथ, शाम तक की जो पल पल की अपडेट बंद की है वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप पंचाल भी कैमरे के पीछे हैं, वो भी सारा दिन मेरे साथ रहेंगे। तो आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जहां से पानीपत पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। तो आप बने रहिए वैसे पानीपत के साथ।